टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30,000। तो दोस्तों जो 30,000 का बजट है ये बहुत ही अच्छा बजट रेंज है स्मार्टफोन परचेज करने के लिए। अगर आप भी इस प्राइस पॉइंट में अपने लिए बेस्ट स्मार्टफोन खोज रहे हो पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कौन से कंपनी या स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में आपको नीड और यूजेज के अकॉर्डिंग टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूं, जो कि अभी के टाइम पे 30,000 में मिल जाते हैं। चाहे आप कैमरा सेंट्रिक फोन खोज रहे हो या फिर गेमिंग के लिए, हर टाइप के यूजर के लिए स्मार्टफोन बताने वाला हूं। और साथ ही साथ आपको कर्व डिस्प्ले वाला भी फोन मिलने वाला है। दोस्तों लास्ट वाला फोन तो एकदम फ्लैगशिप किलर है और रिसेंटली भी लॉन्च हुआ है। बात करूं फ्यूचर की तो फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर मिलने वाला है, जहां पे आप आराम से हेवी गेमिंग मल्टीटास्किंग कर सकते हो। उसके साथ साथ फ्लैगशिप लेवल का कैमरा मिल जाएगा, फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे और कमाल का यूजर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। थोड़ी रिसर्च के बाद ये सारे स्मार्टफोन मिले हैं, बाकी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है स्मार्टफोन से रिलेटेड और आप भी डिसाइड कर पाओगे कि कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बात करें नंबर 5 पे जो स्मार्टफोन आते हैं रेडमी की तरफ से, रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G। तो अगर आप 30,000 के बजट में लुक एंड डिजाइन वाला स्मार्टफोन खोज रहे हो जहां पे अच्छा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस और एक अच्छा प्रोसेसर मिल जाए और साथ ही साथ 3D कर्व डिस्प्ले भी मिल जाए, तो Xiaomi की तरफ से रेडमी नोट 13 प्रो प्लस एक बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है। दोस्तों ये फोन इन हैंड फील बहुत ही कमाल का लगता है। बात करें स्पेक्स की तो 6.67 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि 68 बिलियन कलर रेशियो के साथ आता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है विद HDR 10 प्लस का सपोर्ट। 1800 नीट्स पीक ब्राइटनेस विद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन मिलता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, डिस्प्ले आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने वाला है। कंटेंट कंज्यूम करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। MIUI 14 पे रन करता है जो कि एंड्रॉइड 13 पे बेस्ड है। 3 ईयर तक सॉफ्टवेयर अपडेट एंड 4 ईयर तक सिक्योरिटी अपडेट मिलता है। बात कर लेते हैं प्रोसेसर की तो MediaTek Dimensity 7200 का प्रोसेसर मिलता है जो कि 4nm पर बेस्ड है। ये एक फ्लेक्सिबल लेवल का प्रोसेसर है, गेमिंग या मल्टीटास्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, मेन कैमरा 200 MP f1.7 एपर्चर के साथ आता है। कैमरा यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है, दूसरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड और तीसरा 2 MP का माइक्रो कैमरा मिल जाता है। सेल्फी कैमरा 16 MP के साथ आता है। मेन कैमरा से आप 4K 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। स्टीरियो स्पीकर मिलता है इसमें। बात करें बैटरी की तो 5000mAh की बैटरी मिल जाती है विद 120 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 100% चार्ज इन 19 मिनट। ये एक बेस्ट फीचर है। IP68 रेटिंग, UFS 3.1 की स्टोरेज मिल जाती है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। वेट इसका 199 ग्राम है। तो बात करें प्राइस की तो 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज, इसका प्राइस Amazon पे 31,999 है। बट वेट, ये फोन इजिली आपको 30,000 में आराम से मिल जाएगा अगर आपके पास SBI, HDFC या फिर ICICI का क्रेडिट कार्ड है, तो फ्लैट 2500 का डिस्काउंट मिल जाएगा, वरना आप 2 से 3 दिन वेट कर सकते हो, इसका प्राइस कम हो जाएगा। उसके बाद बात करें नंबर 4th पे जो स्मार्टफोन आते हैं वीवो की तरफ से, वीवो V30। दोस्तों ये फोन फरवरी मंथ में लॉन्च हुआ है और उस टाइम इसका प्राइस 33,999 था, बट ये फोन अभी अंडर 30,000 में आराम से मिल जाएगा विदाउट एनी कार्ड ऑफर। और वीवो अपने कैमरा सेंट्रिक फोन के लिए जाना जाता है क्योंकि इसमें 50 MP का कैमरा मिलता है f1.9 एपर्चर के साथ, OIS का भी सपोर्ट मिलता है, दूसरा 50 MP का अल्ट्रा वाइड और तीसरा 2 MP का माइक्रो कैमरा मिलता है। सेल्फी कैमरा 50 MP के साथ आता है। मेन कैमरा और सेल्फी कैमरा से 4K 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। 6.78 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि 1 बिलियन कलर रेशियो के साथ आता है। HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिलता है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 2800 नीट्स पीक ब्राइटनेस मिल जाता है। एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड है जो कि OS वर्जन फन टच OS 14 है। बात करें प्रोसेसर की तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का प्रोसेसर मिलता है जो कि 4nm पर बेस्ड है। UFS 2.2 की स्टोरेज मिल जाती है। डॉल्बी स्टीरियो स्पीकर मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। 5000mAh की बैटरी मिलती है विद 80 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। 100% चार्ज इन 48 मिनट। IP54 रेटिंग। वेट इसका 186 ग्राम है। उसके बाद बात करें प्राइस की तो ये फोन आपको अंडर 30,000 में आराम से मिल जाएगा। उसके बाद नंबर 3rd पे जो स्मार्टफोन आते हैं रियलमी के तरफ से, रियलमी 12 प्रो प्लस 5G। दोस्तों ये फोन इंडिया में 29 जनवरी को लॉन्च हुआ है और 3D कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। आपके नीड और यूजेस के अकॉर्डिंग अगर आप एक रियलमी का ही स्मार्टफोन परचेज करने का सोच रहे हो तो रियलमी 12 प्रो प्लस कमाल का
फोन है। इसमें आपको 6.7 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि 1 बिलियन कलर रेशियो के साथ आता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और साथ ही साथ 950 नीट्स पीक ब्राइटनेस। एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड है और OS वर्जन रियलमी UI 5.0 है। 3 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट और 2 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 का प्रोसेसर मिलता है जो कि 4nm पर बेस्ड है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल f1.9 एपर्चर के साथ आता है, दूसरा 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस और तीसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का मिलता है। मेन कैमरा से 4K और सेल्फी कैमरा से 1080p 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। डॉल्बी स्टीरियो स्पीकर मिलता है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। बैटरी इसमें 5000mAh की मिलती है विद 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 50% चार्ज इन 19 मिनट, IP65 रेटिंग। वेट इसका 196 ग्राम है। फाइनली बात करते हैं प्राइस की, तो 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज, इसका प्राइस फ्लिपकार्ट पे 29,999 है। उसके बाद नंबर सेकंड पे जो स्मार्टफोन आते हैं मोटोरोला की तरफ से, Moto H50 Pro। दोस्तों ये फोन रिसेंटली लॉन्च हुआ है 8 अप्रैल को और इसमें जो फीचर मिलते हैं वो कमाल का रहता है। मोटो अपने क्लीन एंड्रॉइड स्टॉक के लिए जाना जाता है। ये फोन फुल्ली बेस्ड AI पे है, तो अगर आपकी चॉइस मोटोरोला के तरफ है तो बिना किसी दिक्कत के परचेज कर सकते हो। 6.7 इंचेस का P-OLED डिस्प्ले मिलता है जो कि 1 बिलियन कलर रेशियो के साथ आता है। 144 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है विद HDR 10 प्लस का सपोर्ट। 2000 नीट्स पीक ब्राइटनेस मिल जाता है और साथ ही साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन। एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड है और 4 साल तक एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा इसमें आपको, यानी एंड्रॉइड 18 तक। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 का प्रोसेसर मिलता है जो कि 4nm पर बेस्ड है। UFS 2.2 की स्टोरेज मिल जाती है। ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल f1.4 एपर्चर के साथ आता है। OIS का भी सपोर्ट मिलता है, दूसरा 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और तीसरा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। सेल्फी कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलता है। मेन कैमरा और सेल्फी कैमरा से 4K 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। डॉल्बी स्टोरेज स्पीकर मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और 4500mAh की बैटरी मिल जाती है विद 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 100% चार्ज इन 18 मिनट जो कि कमाल का है। 50W वायरलेस चार्जिंग और 10W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मिलता है। IP68 रेटिंग। वेट इसका 186 ग्राम है। 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज। ये फोन सेल में 27,999 में मिल जाएगा। सेल आज से स्टार्ट हो गया है, आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। फाइनली नंबर वन पे जो स्मार्टफोन आते हैं सैमसंग की तरफ से, गैलेक्सी A35 5G। दोस्तों ये फोन मार्च मंथ में लॉन्च हुआ है और सैमसंग के जो A सीरीज होते हैं उसके स्पेक्स कमाल का होता है। सैमसंग अपने कैमरा और डिस्प्ले के लिए जाना जाता है, तो अगर आपको सैमसंग का ही स्मार्टफोन परचेज करने का सोच रहे हो तो A35 एक बहुत ही अच्छी चॉइस रहेगी। 6.6 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे वर्क करता है। 1000 नीट्स पीक ब्राइटनेस मिल जाता है विद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का सपोर्ट, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड है और OS वर्जन 1 UI 6.1 है। 4 ईयर तक सॉफ्टवेयर अपडेट एंड 5 ईयर तक सिक्योरिटी अपडेट मिलता है। प्रोसेसर इसमें Exynos 1380 का मिलता है जो कि 5nm पर बेस्ड है। ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल f1.8 अपर्चर के साथ और दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा 5 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा। सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल के साथ आता है। मेन कैमरा और सेल्फी कैमरा से 4K 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। डॉल्बी स्टीरियो स्पीकर मिलता है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। 5000mAh की बैटरी मिलती है विद 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। IP67 रेटिंग। वेट इसका 209 ग्राम है। फाइनली बात करते हैं प्राइस की, तो 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज, इसका प्राइस 29,999 है। दोस्तों प्राइस कम या ज्यादा होते रहता है, आप चेकआउट कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और मेरा इंस्टा पेज फॉलो करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।